हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरबी के आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, पासवर्ड आप खुद से भी बना सकते हैं, आपको किसी एजेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको पासवर्ड बनाना है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, वो सारा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करें आप सिर्फ अपना आधार कार्ड से ही अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मिनिमम जो है मैट्रिक का मार्कशीट देनी होगी, बाकी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो सिर्फ आधार कार्ड से ही आपका बन जाएगा। और फी की बात करें तो दोस्तों 1500 रुपया फी आपका यहाँ पे देनी होती है। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और फिर आपको अपने आपके जो नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर आपको जाके अपनी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना होता है। वहाँ पर आपका एक फ़ोटो लिया जाता है और एक सिग्नेचर लिया जाता है। उसके बाद वहाँ से जो है आपके जो थाना है वहाँ पे पुलिस स्टेशन वहाँ पे वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वहाँ से 15 दिन के अंदर में आपका वेरिफिकेशन होता है। या तो आप वो आपको फोन करके बुला लेंगे या फिर वो आपके घर पे आके वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद बाय पोस्ट आपका जो पासपोर्ट है वो बाय पोस्ट आपके घर पे आपके जो आप जो एड्रेस है आपका वो एड्रेस पे आपका पासपोर्ट सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन की प्रक्रिया देखते हैं कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम सिखाएंगे, आप लास्ट तक वीडियो को देखें समझे उसके बाद फॉर्म भरें। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको पासपोर्ट इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आना होगा। दोस्तों, ये जो पासपोर्ट का जो वेबसाइट है तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे देखना होगा कि जियो भी लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि पासपोर्ट का जो है बहुत सारा फेक भी वेबसाइट है तो आपको उससे बचना है। पासपोर्ट इंडिया डॉट गोव डॉट इन ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट में आप आ सकते हैं। तो इस पर वेबसाइट में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ जो है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले ऊपर में आपका जो है पासपोर्ट ऑफिस ये आपको यहीं पे यही आपको टिक करना है। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस जो है आपका जो जहाँ पे है वहाँ पे ये ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस नज़दीक में वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सरनाम देना है, डेट ऑफ बर्थ अपना देना है, एक ईमेल आईडी देना है जो कि वैलिड होना चाहिए क्योंकि ईमेल पे आपका जो है मैसेज सेंड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन आईडी बनानी होती है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, वो आपका आईडी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन देना होगा, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप वो क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हिंट आंसर पे आपको यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे आपको टाइप करना है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आपको आईडी में प्रॉब्लम हो तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पर टाइप करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड यू ईमेल आईडी। तो जो आपका जो ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे दिया होगा उस पर एक मेल सेंड किया गया होगा, उस मेल में जो है एक लिंक होगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का कोई मेल आएगा, पासपोर्ट डॉट एडमिन इस टाइप का आएगा, रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन इस पर आपको ओपन करना है अपना ईमेल आईडी। आप अपना मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें जो है एक लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मैसेज यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे इंटर यूजर आईडी यहाँ पे मांगा जाएगा। तो यूजर आईडी अगर आपने वहाँ पे ईमेल आईडी रखा था तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, अगर कुछ और आपने यूजर आईडी बनाया था तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजर आईडी डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज दे दिया जाएगा, मतलब आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है और अपना जो आईडी पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों इस पेज पे फिर से आके आपको यहाँ पे एग्जिटिंग यूजर लॉगिन इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी है आपका वो यूजर आईडी यहाँ पे आपको डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, जो आपने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे डाल के फिर से लॉगिन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा कि आप यहाँ पे किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड में दिख रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उस बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला में यहाँ पे एक नंबर वाला में क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन का भी यहाँ पे सिस्टम दे दिया रहता है, ऑफलाइन इस पर आपको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन दिखाने वाले हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन वाले पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अपना यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं ये सारा जो लिखा हुआ है ये सारा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फर्स्ट पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेंट डिटेल, फैमिली डिटेल, ये सारा डिटेल आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो पहला पासपोर्ट टाइप है, और यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिलेगा अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, मतलब न्यू यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करना है, तत्काल में जो है आपको नहीं करना है, उसका जो फी जो है अलग होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पेज का आ जाएगा 36 पेज 60 पेज, तो ये अपने हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ 36 लेना, तो यहाँ पे 36 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं, पहला स्टेप यहाँ पे टिक लग गया है, सेकंड स्टेप एप्लीकेंट डिटेल है। सबसे पहले ऊपर अपना यहाँ पर नाम डालना है, उसके बाद सरनेम डालना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, हैव यू यूर बिन नो बाय अदर नेम, अगर कोई और नाम है आपका तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हैव यू यूर चेंज योर नेम, अगर अपना नाम बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते, अगर ये बदलना चाहते हैं यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर जो पैदा हुए हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगा जा रहा है, आप अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ, टाउन, सिटी या विलेज का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अपना फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मेरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया बाय यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप बर्थ ही रखने देंगे क्योंकि आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेन मांगा जा रहा है, ये जो है आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ डालेंगे, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। वोटर आईडी नंबर भी अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, इज अदर ऑफ योर पेरेंट सपोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपका जो पेरेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे इसको आपको 7 पास और लेस इस पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन कौन आता है उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लिस्ट आ जाएगा, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आप इसमें है कि नहीं, ये जो है क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मांगा जाता है वो चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ रहता है। नॉन ईसीआर में आने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देना होगा नॉन ईसीआर के लिए, तो इस पर आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पे देने होंगे, तो यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे। अगर आप मैट्रिक नहीं किए हैं तो आप इसको नो ही रखेंगे। उसके बाद विजिबल डिस्टिनेशन मार्क, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना है, आधार नंबर भी मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप लोग को यहाँ पे आधार नंबर डालना ही है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे यस पे टिक कर देना है, और सेव माई डिटेल कर लेना है, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क वगैरह से कट जाए तो फिर से आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करना ना पड़े, इसलिए आप सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फैमिली डिटेल डालना है, फादर नाम डालना है, फादर का सरनेम डालना है, मदर नाम डालना है, मदर नाम का सरनेम डालना है। उसके बाद अगर आपका कोई और गार्जियन है तो उसका यहाँ डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेव माई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पे येस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। बाकी यहाँ पे अपना जो एड्रेस वो फुल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे, विलेज टाइप कर देंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पुलिस स्टेशन अपना टाइप कर देंगे, पिन कोड, मोबाइल नंबर एक अपना डाल देंगे, और अपना जो फिर ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है, इज परमानेंट एड्रेस आर अवेलेबल, अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप नो नो करेंगे, या फिर ये नहीं है तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे येस कर देंगे।
जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो इसको आप यस कर देंगे। अगर अलग है दोनों तो यहाँ पे आप नो करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो फिर से डिटेल मांगा जाएगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर सेम है तो यस कर देंगे तो आपका एक ही डिटेल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस जो है एक साथ यहाँ पे टाइप करना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू इवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो अगर आपका होल्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। ठीक। उसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा हैव यू यूर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, अगर आप पहले आप अप्लाई किए थे और इशू नहीं हुआ था तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे वहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद फिर से सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ देर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, अगर आपको जो ये सब में से कोई भी केस वगैरह कुछ भी इसमें अगर है तो आप यहाँ पे आपको टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। ये सारा चीज़ पढ़ के आप यहाँ पे अपना जो है टिक करेंगे। उसके बाद इसको भी सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो अपने फॉर्म भरा है उसका जो यहाँ पे प्रीव्यू शो करेगा, इसमें आपको अपना जो प्रीव्यू एक बार फिर से मिला लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक लगता है आप तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और सही लगता है तो फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे आपको बर्थ प्रूफ में आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देनी होगी, तो यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। और जो है बर्थ प्रूफ में दोस्तों आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आपको देना है, तो इसमें भी आप जो है आधार दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे जो है डिजी लॉकर से भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं अपना आधार, अगर डिजी लॉकर आपका है यूज करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने बोला यस आई आई विश टू इनरोल फॉर पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस, अगर आप पासपोर्ट सेवा का जो SMS सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। आपको जो यहाँ पे ₹50 पे करने होंगे, ये जो ₹50 फी है दोस्तों ये जो है आपका वन टाइम है, उसके बाद आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नीचे जो दिख रहा है अगर ये आपको सेवा नहीं लेना तो यहाँ पे आपको नो पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है जो आई एग्री पे टिक करना है, या प्लेस यहाँ पे जो है प्लेस आपको पहले यहाँ पे टाइप करना है जो प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपका सिटी है, उसके बाद आई एग्री पे करके फिर से सेव करके आपको यहाँ पे जो है सबमिट करना है। आप प्रीव्यू फॉर्म भी यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करके अपना प्रीव्यू फॉर्म देख सकते हैं। उसके बाद सब सही रहा तो आप सबमिट कर सकते हैं, अगर सही नहीं रहा तो प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू जाके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बोला जा रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आप अपना फी पे करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, और अपना जो शेड्यूल अपना अपॉइंटमेंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके अपना प्रिंट रिसिप्ट जो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक करके जो है अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, पे एंड शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे आप पेमेंट करने का। पहला जो है ऑनलाइन पेमेंट है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और दूसरा है ऑफलाइन जो है आपको बैंक से चालान लेके यहाँ पे आपको करना होता है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक यहाँ पे जो ये डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका जो है पेमेंट होगा। तो आपने जो RPO जो सबने सेलेक्ट किया था वहाँ से उसके जो आपके नज़दीक में जो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑफिस वहाँ पे दिया रहता है, तो आप यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करके जो है वो सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नज़दीक कौन सा ऑफिस मेरा पड़ रहा है या फिर आप ही के डिस्ट्रिक्ट में है, वो यहाँ पे देख के वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा डाल के फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस भी नहीं मिलेगा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा ईयर लिस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 28 मार्च टू बी प्रोसीड क्लिक पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, तो 28 मार्च का जो यहाँ पे अवेलेबल है, और अगर इसमें आपको करना है बुक तो यहाँ पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई और डेट लेना है तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो पेमेंट मेथड आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI भी है, तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट कर देंगे। तो चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ।
तो जैसे आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो ये आप रिडायरेक्ट कर देगा आपका होम पेज में। यहाँ से आपको फिर से लॉगिन करना है और जो आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो आपको लगानी है, उसके बाद अपना जो रिसीप्ट है वो प्रिंट कर लेना है। तो फिर से अपना आईडी जो है लॉगिन करेंगे, और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म का डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड मार्क में यहाँ पे लिख रहा है यू हैव एप्लीकेशन इन पेंडिंग इनिशिएटेड पेमेंट स्टेटस, यूज द ट्रैक पेमेंट लिंक अंडर पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट टैब टू वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, यू कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट वंस पेमेंट स्टेटस इज सक्सेस। यहाँ पे आप जो आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आप पेमेंट सेशन में जाके इसको आपको क्लियर करना है, तो यहाँ पे आपको जो है इसको आपको टिक कर लेना है जो आपका फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे आपको पेंडिंग लिखा हुआ रहेगा, और तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई द पेमेंट इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो मैसेज दे दिया गया पेमेंट स्टेटस सक्सेस। तो इसको आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर से आपको इसमें जो है व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन इस पे आपको क्लिक करना है। तो फिर से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड मार्क में दे रहा था यहाँ पे ऑप्शन वो यहाँ पे नहीं देगा, और पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे आपको सक्सेस यहाँ पे दे दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो डेट लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है अपना फॉर्म को, और फिर से पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट इस सेक्शन में आना है और पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। और पेमेंट तो आपने कर दिया लेकिन अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं होता है, तो दोबारा यहाँ पे आपको ये करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर से यहाँ जो अपॉइंटमेंट आप सिलेक्ट किए थे उसी तरह फिर से आप यहाँ को अपॉइंटमेंट जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करें फिर से ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आपको दे दिया जाएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इतना, अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पे आपको दे दिया जाए जो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका जो रिसिप्ट है और इसको प्रिंट यहाँ पे आप कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके रख लेंगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन में। यहाँ पे गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस क्लिक करके यहाँ पे एसएमएस में भी अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो मैसेज आपका अपॉइंटमेंट का जो है मैसेज चल जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट क्लिक कर इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप ओके कर देंगे तो यहाँ से आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से जो है आपका जो ये पेज खुलेगा, और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे चले आना है। सबसे नीचे में आपको फिर से प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आप पीडीएफ में सेव करके या फिर प्रिंट आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से इस पेज पे आना है, और अब जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना है। तो इसको फिर से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो फॉर्म को, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट टाइप लिखा हो रहेगा, इस पर आपको टाइप करना है कौन सा प्रूफ आपको देना है। सबसे पहले आप एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद नीचे अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन रहेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि कौन सा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो यहाँ पे आप आधार सेलेक्ट कर लेंगे और अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे देंगे। डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पे अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जहाँ भी फाइल अपने रखे होंगे अपना आधार का वो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए और 1 MB के अंदर ही होनी चाहिए, 1 MB से ऊपर होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेज दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, अगर फुल डेट ऑफ बर्थ आपका आधार में है तो आप इसमें भी आधार कार्ड दे सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड भी का भी यहाँ पे ऑप्शन है, और फिर से ही आप आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है जो नॉन ईसीआर प्रूफ है, जो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं मेट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो आप इसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। नॉन ईसीआर प्रूफ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अटैचमेंट में यहाँ पे आप जो है दूसरा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से इस यहाँ पे आना है आपको व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन में, और फिर से यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है आपका जो फॉर्म है। उसके बाद फिर से और यहाँ पे जो आपको देखेगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है, अपना जो है एप्लीकेशन रिसीप्ट जो है वो प्रिंट कर लेना है आपको।
और जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट को लेके आपको वहाँ आपका जो नज़दीकी जो आपने पासपोर्ट ऑफिस जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लिया है उस ऑफिस में जाना है उसी डेट पे, और वहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। वहाँ पे आपको जो फोटो लिया जाएगा और सिग्नेचर होगा, उसके बाद आपका जो है पुलिस स्टेशन में वो जो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो पहले भी मैंने ये बता दिया, वीडियो के शुरू में बता दिया था। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, आप खुद से ही ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।